तो गाइस इस वाले वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि WWE रॉयल रंबल 2020 में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एक तरह से क्या रिजल्ट्स होंगे, कौन से मैच के कौन से विनर्स होंगे और क्या क्या हो सकती हैं। तो मतलब ओवरऑल ये वाली वीडियो इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी कि आपका रॉयल रंबल का एक्साइटमेंट और ये वीडियो अपलिफ्ट कर देगा। तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए बिल्कुल लास्ट तक, कर इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। वेट किस बात का है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात शुरू करते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम मैच के मतलब मैच का जो भी लिस्ट है मैचेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो भी मैच के रिजल्ट्स मेरे प्रेडिक्शन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रेडिक्शन शेयर करते जाना। बात शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला मतलब यहाँ पे जो सा मैच फिक्स किया गया है WWE की तरफ से वो है गाइस यहाँ पे शॉर्टी जी वर्सेस सेमस केल्टिक वॉरियर का। अब ये मैच है बिल्कुल नॉर्मल सा और प्रेडिक्शन भी है बिल्कुल नॉर्मल सी। इस मैच को जीतने वाले हैं सेमस। 9 महीने बाद सेमस ने रिटर्न किया अपना स्मैकडाउन पे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मतलब यहाँ पे सेमस का रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न के बाद ये पहला मैच है। अब यहाँ पे मैं आपको गले में थोड़ा खराश है तो अगर बीच में अगर आपको थोड़ी परेशानी हो तो इग्नोर करना। तो गाइस यहाँ बताना चाहता हूँ एक लाइव इवेंट में मैंने आपको एक अपडेट वीडियो में ही बताया कि सेमस अंड्राडे के अगेंस्ट एक मैच खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छे बड़ी शेप में हैं और शॉर्टी जी यहाँ पे सेमस को हराइए तो बिल्कुल होने से रहा। तो यहाँ पे सेमस इस मैच को जीतने वाले हैं। इसके बाद से गाइस हमें नेक्स्ट मैच हम्बर्टो करिलो वर्सेस अंड्राडे CNLMS के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और ऐसा मैंने आपको एक बार ऑलरेडी पहले ही बताया था कि हम्बर्टो करिलो एक डिजर्विंग चैंपियन थे। WWE की क्रिएटिव टीम मतलब सोच रही थी कि हम्बर्टो करिलो को वो रोल दिया जाए जो कि रे मिस्ट्रियो को दिया जाने वाला था और वही अंड्राडे को मतलब फेस करने वाला था US टाइटल के लिए। तो गाइस यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए इस मैच को फिक्स किया गया है रॉयल रंबल में और इस वाले मैच को यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि हम्बर्टो करिलो जीतेंगे। और मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि हम्बर्टो करिलो इस मैच को जीत जाएंगे और बनेंगे न्यू US चैंपियन। इसके बाद से गाइस नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा लेसी इवेंस वर्सेस बेली के बीच में जो कि होगा स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। अब इस मैच को मैं प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे साशा बैंक्स का भी इंटरप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे अगर साशा बैंक्स का इंटरप्ट किया जाता है, अगर साशा बैंक्स की तरफ से इंटरप्शन होता है तो यहाँ पे मुश्किल होगा लेसी इवेंट्स के लिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो लेसी इवेंट्स इस मैच को जीतने वाली हैं। सो ओवरऑल मेरी यही प्रेडिक्शन है कि लेसी इवेंट्स जीत जाएंगी और वो बनेगी न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन। इसके बाद से गाइस नेक्स्ट मैच में देखने को मिलेगा जो कि अब यहाँ पे होगा रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए आस्का और फिर बेकी लिंच के बीच में। तो गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बेकी लिंच डिफीट करेंगी आस्का को। हमें पता आस्का ने डिफीट कर रखा है बेकी लिंच को ऑलरेडी कई बार, तो यहाँ पे बेकी लिंच डिफीट करेंगी आस्का को। और उसके बाद से गाइस अभी टाइटल रेन कंटिन्यू रहेगी बेकी लिंच की और वो रेसलमेनिया तक जाएगी, तो यहाँ पे आस्का को मिलेगी हार और उनका सपना चकनाचूर होने वाला है। इसके बाद से हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलेगा जो कि अब यहाँ पे होगा रोमन रिसोर्ट किंग कॉर्बिन के बीच में एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, ये मे बी लास्ट मैच हो रोमन और किंग कॉर्बिन की राइवलरी का। काफ़ी ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं इन दोनों के बीच में भी और काफ़ी पर्सनल भी जा चुके हैं इन दोनों की राइवलरी, तो ये वाला मैच यहाँ पे एंड हो सकता है। मैच नहीं, एक तरह से राइवलरी एंड हो सकता है। और फॉल्स काउंट एनीवेयर एक काफ़ी तगड़ा स्टिपुलेशन है, आपको पता है रॉयल रंबल मिनट मेड पार्क जो कि मतलब एक यहाँ पे बेसबॉल ग्राउंड है और काफ़ी बड़ा होता है बेसबॉल ग्राउंड, मतलब कितने यार्ड्स में फैला होता है बताना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच मतलब कि पूरा ग्राउंड नापने वाले हैं रोमन रिसोर्ट किंग कॉर्बिन, तो काफ़ी एक्साइटिंग होगा वहाँ पे माहौल। और ओवरऑल आपको पता है फेस कैरेक्टर ही जीतता है फाइनली राइवलरी में, तो रोमन जीतेंगे इस मैच को और मोमेंटम बनाए रखेंगे 30 मैन रॉयल रंबल मैच के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट चैंपियनशिप का हमें मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा द फिंड ब्रे वायट वर्सेस डेनियल ब्रायन के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और एक नॉर्मल स्टिपुलेशन नहीं रहेगी इस मैच की, इस मैच की स्टिपुलेशन रहेगी एक स्ट्रैप मैच। अब गाइस यहाँ पे स्ट्रैप मैच क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। अगर आपने मतलब रेसलमेनिया 31 देखा है तो वहाँ पे रूसेव और जॉन सीना का एक रशियन चेन मैच हमें देखने को मिला था, तो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता स्ट्रैप मैच है। यहाँ पे डेनियल ब्रायन और फिर फिन ब्रे वायट दोनों के हाथों में बांध दी जाएगी, मतलब एक तरह से चमड़े की बेल्ट या फिर स्ट्रैप आप जो भी कहो चमड़े की, वहाँ पे वो बांध दी जाएगी दोनों के हाथों में और एक एक कोना दोनों के पास रहेगा। अब गाइस स्टिपुलेशन काफ़ी आसान है, मतलब वहाँ पे आप अटैक कर सकते हो एक दूसरे पे स्ट्रैप से। और उसके बाद मतलब यहाँ पे मैच जीतने के दो ही तरीके हैं, पिनफॉल और सबमिशन, जो भी बंदा पिनफॉल या सबमिशन कर देता है और वही जीत जाएगा मैच को और बनेगा यूनिवर्सल चैंपियन। यहाँ पर प्रेडिक्शन मेरे लिए काफ़ी सिंपल है, फिन ब्रे वायट इस मैच को जीतेंगे, डेनियल ब्रायन को मिलेगी हार और फिन ब्रे वायट जाएंगे रेसलमेनिया में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। अब बढ़ जाते हैं उन दो मैचेस की ओर जो कि रॉयल रंबल का मेन अट्रैक्शन मेन फोकस है, यानी कि वुमेंस एंड मेंस रॉयल रंबल मैच।
बात शुरू करते हैं 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच से लेकर। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस करना है और नेम भी कुछ अनाउंस हो चुके हैं एंट्रीज वुमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए, जिसमें कि शार्लेट फ्लेयर हैं और भी कई सुपरस्टार्स हैं जैसे कार्मेला वगैरह हो गई। तो गाइस यहाँ पे यही हम बताना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कौन जीत सकता है इस मैच को। बेटिंग ऑड्स भी निकल के आई थी, तो आपने बेटिंग ऑड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कहीं नहीं मिलता तो चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना। और गाइस यहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा साइना बैसनर के बताए गए हैं। और रिटर्न्स के बारे में बात कर लें, हम यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि एजेली का हो गया, लीटा का रिटर्न हो गया, बेथ फिनिक्स का हो गया, नाया जैक्स का भी एक्सपेक्टेड है, मुश्किल है लेकिन एक्सपेक्टेड है। उसके बाद से गाइस यहाँ पे विनर की बात करें, हम प्रेडिक्ट करते हैं तो साइना बैसलर जीतेंगी रॉयल रंबल 2020 के 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच को। मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्शन है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एनएक्सटी की चैंपियनशिप हार चुकी हैं, उनके पास कुछ नहीं है मेन रोस्टर में उन्हें ढकेलना है, तो रॉयल रंबल एक बेस्ट प्लेस है। बात करें तो अपने फाइनल प्रेडिक्शन की और, जो कि है गाइस 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच, सबसे इंपॉर्टेंट मैच रॉयल रंबल का और रेसलमेनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं कौन जीत सकता है इस मैच को, क्या क्या हो सकती है सरप्राइज एंट्रेंस, एक पूरा मतलब आप समझो पूरा मिक्स जो भी आप कह सको, पूरा जैम पैक्ड है, मतलब कार्ड बताना काफ़ी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि जो 25 एंट्रेंस है वो ऑलरेडी मतलब रिवील हो चुके हैं, 25 एंट्रेंस कन्फर्म्ड है और 5 स्पॉट्स खाली बताए जा रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे होप यही करेंगे कि रिटर्न्स तगड़े देखने को मिले। रिटर्न्स में तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे एज हो जाएंगे, फिर सीएम पंक के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जॉन सीना के भी चांसेस बताए जा रहे हैं, अंडरटेकर तक के चांसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे चांसेस बताए जा रहे हैं। बस 5 ही स्पॉट खाली है, बताना काफ़ी मुश्किल है किनका किनका रिटर्न होगा, लेकिन बेटिंग ऑड्स हम मैंने बनाई अपने चैनल पे, इनकी भी बेटिंग ऑड्स काफ़ी पहले रिवील हुई थी, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक है, वो भी जाके आप चेकआउट जरूर करना वीडियो को। और गाइस विनर प्रेडिक्ट करते हैं तो रोमन्स जीतेंगे रॉयल रंबल 2020 के 30 मैन रॉयल रंबल मैच को और मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया को। तो गाइस ये थे उन मैचेस जो अभी तक अनाउंस हुए हैं, अभी तक क्या मुश्किल है कि अनाउंस होगा कोई और मैच, अगर होता भी है तो वो किक ऑफ शो वगैरह में होगा, जो कि हमें रॉयल रंबल के किक ऑफ में देखने को मिलेगा, तो मतलब मेन चीज़ वो नहीं है। मेन अभी यहाँ पे जो भी मैचेस अनाउंस हुए हैं 8 मैचेस हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो होगा, काफ़ी बड़ा शो होगा और आपको उस शो को बिल्कुल लास्ट तक देखना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आप पूरा शो देखो लास्ट तक, लेकिन आप देखते हो तो मतलब काफ़ी एक्साइटिंग हो जाएगा। और रोड टू रेसलमेनिया है, छोटा चीज़ नहीं चल रहा, अब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, अब बस रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो ही चुका है। नीचे कमेंट्स में बताना जरूर कितने एक्साइटेड हो आप, और ये भी बताना आपकी प्रेडिक्शंस क्या है। बस वीडियो के इतना ही था, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें, और कुछ ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर ही देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।